में आके यूएस हमको कहा कि हिंदुस्तान कभी भी किसी भी लेम चीज का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स को सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी भी ऐसे मुद्दे को जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। क्या कहेंगे आप इन सब सिनेरियोस पे कि हिंदुस्तान जो पीस के नाम पे बना है, पीस का नारा लगाते हैं, पूरी दुनिया में पीस फैला रहा है, वो पीस टॉक पे क्यों नहीं आता पाकिस्तान के साथ? देखिए महवी जी, दो चीजें हैं। पीस टॉक जो डिमांड कर रहे हैं, पहले जिन्होंने डिमांड की, जो आपके पत्रकार है जिनका आपने नाम लिया, शायद जाजेब के ऐसा कुछ नाम है उनका, जाजेब बली जी, पहले मुझे पीस टॉक बताइए, पीस टॉक कौन कर रहे हैं? पहले उनकी कंट्री की कंडीशन, वो पीसफुल है? वहां पे जो एटमोसफियर बना हुआ है वो पीसफुल है? पहले तो आप अपनी कंट्री का देख लीजिए कि आप अगर बात कर रहे हैं पीसफुल एटमोसफियर की, आपने वहां पे भी कश्मीर का नाम लिया है, आपने वहां पे भी इंडिया का नाम लिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑफ दैट पहले आप अपना जो उनका खुद का गिरेबान है पहले वो देख लीजिए कि हम पीस का नाम जो लेते, जो वर्ड है पीसफुल का यूज कर लेते हैं, क्या हमारे मुल्क में पहले पीस है, पहले हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी है? तो किस नाम के, किस पीसफुल एटमोसफेयर की वो बात कर रही है, और किस इंडिया से वो बात कर रही है, जो जिस इंडिया ने उनको पहले ही दो टोक अल्फाज में कहा है कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म और टेरर फंडिंग केसेस बंद नहीं होगा, जब आतंकवाद वहां पे बंद, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी नहीं, पाकिस्तान तो पहले अपना मुल्क जो है वो पीसफुल नहीं बना पा रहा है, तो वो क्यों, वो फिर क्यों कश्मीर की पीसफुल की बात कर? कश्मीर तो पहले से ही पीसफुल है, 2019 से ऑलमोस्ट 99.9% कश्मीर जो है वो पीसफुल बना हुआ है, लेकिन आप अपने पाकिस्तान को पहले पीसफुल कर दीजिए, पहले अपनी आवाम की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए, पहले वहां पे जो आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो उसको ठीक कर लीजिए, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको पहले ठीक करवा लीजिए। आपके जर्नलिस्ट को चाहिए पहले अपने जो उनका मुल्क है, अपना मुल्क है, पहले उसकी कंडीशन देखे, पहले उसकी कंडीशन जब उनको ठीक होगी, देन दे आर कैपेबल, देन दे आर आंसरेबल टू एनीबडी एल्स। यहाँ से देख लीजिए आप कि मैं खुद तो भीख मांग रहा हूँ और बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, बात कर रहा हूँ इंडिया की, क्यों? पहले तो मैं उस काबिल तो बनूं, मैं अगर बात यूएस में की, क्या मैं उस काबिल हूँ, मेरा मुल्क उस काबिल है कि वो बातचीत करेगा? आप देख लीजिए निमरा जी, जब से इमरान खान को अरेस्ट किया गया तब से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या बनी हुई है सबके सामने हो। पहले आप पाकिस्तान को ठीक करवा दीजिए, पहले आप उस काबिल तो बन लीजिए, फिर आप इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, यूएसए, दुबई, लंदन, यूएके, तब उसकी बात आप करेंगे। पहले आप अपना, अपने टांगे जो है वो पहले मजबूत कर लीजिए, पहले उस काबिल तो बन लीजिए आप। आपको मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपना आप क्यों भूल जाए? क्या आपके लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वहां के सौकियों के लिए, वहां के जर्नलिस्ट के लिए आप अपने लोग वैल्यू नहीं रखते हैं? क्या उनकी कोई कदर नहीं है? पहले उनकी प्रॉब्लम तो सबके सामने लाओ, गवर्नमेंट को तो पहले बोलो कि हमारे लोग जो है, पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो है वो इन प्रॉब्लमों से फंसे हुए, पहले उन बिचारों को दाओ, पहले आटे वाली लाइन जो है वो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में है वो सॉल्व करो, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोगों की हालत बनी हुई है, वहां के रोड्स जो है, वहां की डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम वहां पे बनी हुई है, पहले आप वो तो सॉल्व करो। जब ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, जब पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री बन जाएगी, देन आपको किसी कंट्री को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, देन हर कोई कंट्री जो है आपके साथ बातचीत करने के लिए आ जाएगा। क्यों हमेशा आप जो है हर किसी जगह आपको जो है जिल्लत के वर्ड सुनने पड़ते हैं? कश्मीर से भी आप वही वर्ड सुन रहे हो, भारत से भी वही, हमारे देश इंडिया से भी वही वर्ड सुन रहे, यूएस से भी आपने सुना, आपने लंदन से भी सुना, आपने जहां जहां भी ये मुद्दा उठाया वहां वहां आपको मुंह की खानी पड़ी। ये आज की नई बात नहीं, पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आप इन बेइज्जती खाने की आदत हो गई, उसके बगैर उनका खाना डाइजेशन नहीं होगा, वेदर इट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेदर इट्स आर्मी ऑफ पाकिस्तान, और वेदर इट्स नाउ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसी बात नहीं है, देखिए अगर बात की जाए जर्नलिस्ट की, तो यूएस की अगर बात की जाए, तो यूएस वही कंट्री है जिसके साथ हमेशा पाकिस्तान मिला रहा, जिसके नीचे लगा रहा, जिसकी हर बात मानता रहा। तो दफाबाज तो यूएस हुआ ना, जो आज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा हिंदुस्तान को पावरफुल देखकर। देखिए मैं बता देता हूँ, देखो दफाबाज यूएस नहीं है, पाकिस्तान ने अपना मुल्क जो है यूएस को बेचा हुआ है, एंड यूएस जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, G20 में टॉप इकोनॉमिक में टॉप नंबर वन पे कंट्री है। आप देख लीजिए कि उनको पता है ग्राउंड रियलिटी है क्या, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंडिया कितना डेवलप्ड है,
इंडिया के पास क्या क्या पावर्स है, इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या है, इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया का जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसे है, देख लीजिए। आपके जर्नलिस्ट ने अगर आपने वहां पे सवाल आज उठाया कश्मीर का, तो पहले उनको चाहिए था कि पहले उनकी ग्राउंड रिपोर्ट पाकिस्तान के वो देखनी चाहिए थी। देखिए यूएसए ने तो किसी को धोखा नहीं दिया, हमारे हमारा बिजनेस जो है यूएस के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, हर किसी इंटरनेशनल मुल्क के साथ ठीक था। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लोग जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आपस में तुली हुई है कि कैसे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा जाए, कैसे को अरेस्ट किया जाए। देखिए इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनके निशाने पे जो था पीएमएल था कि इन्होंने लूट खसूर की, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा। फिर पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तब उनका नारा था कि अब बनेगा नया पाकिस्तान। लेकिन वो नया पाकिस्तान क्या था वो हमने देखा नहीं, वो ना हमने देखा ना आप लोगों ने देखा। वो नए पाकिस्तान की क्या हालत है वो सबके सामने है। पहले आप देख लीजिए, जब मेरा मुल्क पीछे दिन ब दिन जा रहा है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के दूसरे इंटरनल अफेयर्स में बात करूं? मुझे हक किसने दिया है? पहले आप देखिए कि आप कैपेबल है, आप उस लाइन नासिर जी, आपने एक मिनट, आपको टोक रही हूँ, सॉरी, आपने बात की इंटरनल अफेयर्स की, तो कश्मीर तो हिंदुस्तान का इंटरनल अफेयर नहीं है, कश्मीर तो पाकिस्तान का भी अफेयर है, क्योंकि एक ही जगह से दो हिस्से अलग हुए थे, तो हाउ कैन यू से कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल अफेयर है? लेट मी क्लियर, ये आपको किसने कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है? पहले मुझे ये बात बता दीजिए, ये किसने कहा? पाकिस्तान के दावा करते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान दावा करते हैं, पाकिस्तान की नक्शा दावा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नक्शा नहीं, नक्शा कोई भी बना सकता है। मैं भी अगर स्केच लूंगा, मैं भी अगर आर्टिस्ट वाला को अखंड भारत, वो तो दूर की बात है ना, पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं ना। अखंड भारत तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ, वो तो होगा ही होगा। पहले हम कश्मीर की बात करें। देखिए मैं भी अगर कोई बीए करके आ जाऊं, मैं भी अगर स्केचर पहन लूं, मैं बना सकता हूं। तो दैट डजंट मीन जो मैं बनूंगा दैट्स रियलिटी। आप देख लीजिए हमारा हिस्सा आपके पास है, वो आप मान लीजिए पहले, दैट्स द रियलिटी। पीओके कबालियों ने उसको, जब यहाँ पे कबालियों ने नरसंहार किया, जब यहाँ पे असमग्रेजी उन्होंने की, उनको क्या इंडियन आर्मी ने वापस धकेला और हमारा हिस्सा जो है वहां चला गया। और वो भी हम वापस, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में प्रॉमिस किया था, मुझे आज भी वो अपने वर्ड से याद है और आज फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, वो कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और वो हम वहां से लेकर ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो। और उसके साथ अखंड भारत की अपने बात भी, तो पाकिस्तान भी जो है कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेगा। आप देख लीजिए रिसेंट एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, पाकिस्तान में एक पार्टी हो रही थी और पार्टी में जो है वहां के लोग जो है वो वहां पे स्लोगन दे रहे थे कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा कि नहीं, को मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको वो वीडियो जो है दिखा सकता हूँ। आप देख लीजिए कि यह हालत है पाकिस्तान की। तो आप किस कश्मीर की बात करिए, आप किस चीज की बात करिए, ये देखिए। देखिए एक तो हुआ कि हमारा हिस्सा वहां पे है, आपने उसका नाम क्या दिया हुआ है, आजाद कश्मीर, यही नाम दिया हुआ है ना आपने। मैं हमेशा आपको एक ही बात बता देता हूँ कि मुझे आप एक चीज दिखाइए जिससे वो आजाद है, एक चीज दिखाइए, कौन सी फैसिलिटी आप लोगों ने उनको रखी हुई है? आजाद का मीनिंग फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ। मेरी बात सुने, जब आपके हां भी कांग्रेस की सरकार थी ना, तो आपका कश्मीर भी आजाद नहीं था, अब आजाद हुआ है, तो ऐसे ही किसी पॉलिटिशियन का हम भी इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा तो हमारा भी आजाद, सही वाला आजाद कश्मीर आजाद हो जाएगा। अरे हम तो पहले से ही ऐसी थी, हम तो किसी के अंदर थी नहीं, हमारा पहले से ही इंडिया, हम तो पहले से ही इंडिया से थे, हमारे तो दो दो हिस्से नहीं हुए थे ना, कि हमने नाम दिया आजाद कश्मीर का, लेकिन ऊपर ऊपर जो डंडा है वो पाकिस्तान का रखा, ऊपर जो आर्मी है वो पाकिस्तान की रखी, असेंबली पाकिस्तान की रखी, लॉज जो इम्प्लीमेंट है वो पाकिस्तान की रखी, पाकिस्तान की फौजें वहां पे रखी, नहीं, यहाँ पे इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का रहेगा, यहाँ पे कानून जो है इंडिया के पहले से थे, यहाँ पे पासपोर्ट इंडिया का था, यहाँ पे असेंबली जो हमारी है वो इंडिया की थी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है और रहेगा भी हमेशा वही। आप मुझे बताइए, हमने कभी कहा नहीं कि हम आजाद है, हमने कब कहा? हम तो पहले से इंडिया का हिस्सा थे, तो इसमें कहाँ से आया कि हम इंडिया से आजाद है, हमें इंडिया से आजादी मिली है? क्यों? हमने तो कभी कहा नहीं। ये कहाँ पे लिखा है, मुझे आप एक चीज दिखाई कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, हमारा हिस्सा जो है वो आप लोगों ने ऑक्यूपाई किया है, ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और ये आपके एक्सेप्ट करने या न करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ये हिस्ट्री है, इतिहास गवाह है कि वहां पे हमारा हिस्सा है
और वहां के लोग, आप देखिए गिलगित बलोचिस्तान के लोग भी आज कह रहे हैं कि हमें जो है छोड़ दीजिए, हमें इंडिया के साथ रहना है, हम इंडिया का हिस्सा थे, हमें इंडिया के साथ रहना है। तो मैं मानता हूँ, चलो आपके कहने से आपकी पॉइंट बताएं। अभी जो मैंने आपसे बात की जाज़ेब अली की, जर्नलिस्ट उन्होंने खड़े होकर कहा, वो बहुत दफा पार्लियामेंट में ये बात कह चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंट मुद्दों को रेज कर चुके हैं एंटी इंडिया, मगर हमेशा उनका क्वेश्चन, उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। पहली बात यह है कि हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम खुद स्ट्रॉन्ग है, हर किसी चीज के लिए हम कैपेबल है। गुरूर है ही नहीं, ये रियलिटी है, हम पावरफुल है, हमें किस चीज की जरूरत है, हम कैपेबल है, हर पहली पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद देखिए, हम हर किसी चीज के लिए कैपेबल है, हर किसी चीज के लिए। कोई भी देखिए, COVID-19 की महामारी हुई तो पूरा जो ग्लोब है वो महामारी में उलझ गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने COVID-19 वैक्सीन जो है पूरे कंट्री को, यानी कि पूरे होल वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किए। वी हैव कैपेबल, वी हैव अ पावर, वी हैव अ रिसोर्सेज टू फाइट विद एनीबॉडी, whosoever will be, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, we are not dependent on anybody, हमने किसी को देश नहीं बेचा है, हमने किसी के पैसों से रोड नहीं बनाया है, हमने चाइना से बिलियंस में पैसे नहीं लिए है कोई रोड बनाया गया, ठीक है। आपने कहा कि हमने किसी के पैसों से रोड नहीं बनाया, आपकी इस बात को क्लियर करती चलूं, आपकी पिछली इतनी जो पुश्तें चलती आ रही थी हुकूमत की, उन्होंने इतना कर्जा नहीं लिया था, 80 लाख कुछ हजार कर्जा था, करोड़ जो उन्होंने लिया, मतलब इतने यूएस डॉलर उनका कर्जा था, जिसके 4 गुना ज्यादा कर्जा मोदी सरकार 8 सालों में ले चुकी है। अच्छा ठीक है, गुड एडवाइस, हमने भी देश बेचा है, हमने भी यूएस को बेचा है, तो फिर मुझे बताइए जो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? आपके पाकिस्तान में टमाटर के, हमारी गलती ये हुई कि हमारे हुक्मरानों ने कर्जा लेके इन्वेस्ट नहीं किया। आप लोगों ने अकलमंदी दिखा दी कि वो कर्जा लिया, पैसा लिया बाहर से, मगर इन्वेस्ट कर दिया। देखिए महबूब जी, मैं वही बात आपसे कहने वाला था, लेकिन आप मुझे बीच में रोक, देखिए आपके हुक्मरानों ने क्या है कि आपके हुक्मरानों ने पैसा लिया बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि उन्होंने जो जहां पे उनको इन्वेस्ट करना था वहां पे उन्होंने किया नहीं, उन्होंने पता है कहां पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को वहां पे लूट खसूट करके फॉरेन कंट्रीज में गए, वहां पे अपनी अय्याशा की। और आपको ये भी याद होगा कि आपके जो एक्स आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो इस टाइम कहाँ है? वो फ्रांस में है, और उसका देश, उसके लोग जो है अभी मर रहे हैं भूख के मारे, और वहां पे इतनी अनस्टेबिलिटी है, उसको अभी लोगों का ख्याल नहीं है। आखिरकार वो भी आर्मी के चीफ थे, और जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं वहां पे गवर्नमेंट जो भी आई, चाहे PMLI या PTI, वो नाम के गवर्नमेंट है, उनको नाम का टैग खाली लगा है कि दे आर प्राइम मिनिस्टर, CM है, MLA है, whosoever, वो खाली टैग है, लेकिन आपकी कंट्री को चलाने के लिए, आपकी कंट्री को आगे लेने के लिए, आपकी कंट्री जो कौन सी चीज कब होगी, कौन सी सरकार कब आएगी, वो सारा डिसाइड जो होता है आर्मी कर लेती है। आप देख लीजिए उसके बाद देख लीजिए इंडिया का, इंडिया में आज इन्वेस्टमेंट वहीं से आ रही है। और टाइम भी अगर हमने किसी जर्मनी से की, फ्रांस से की, US से की, टर्की या अफगानिस्तान से, सऊदी अरेबिया से की, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट हमको वहीं से आ रही है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के मुल्कों को, पहले हम इम्पोर्ट ले रहे थे, पहले हम चीजें ले रहे थे चाइना से, ले रहे थे सूजी से, ले रहे थे, लेकिन अब हमारा भारत वो भारत रहा नहीं 2019 के बाद। अब हमारा भारत जो है वो आसमान छू रहा है, अब हम चीजें जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, अब हम चीजें दे रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, अब जर्मनी आ रहा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही है। तो मैं कह रही हूं, आज जो भारत बन गया है कुछ अकलमंदों की वजह से, या ये कह लो लक, गुड लक की वजह से, आज वो भारत सर चढ़ के नाच रहा है, ठीक है। हमारा भारत देखिए मैं भी बता चल, देखिए भारत पहले से ही ऐसा था, ये नहीं था कि पहले हमारी कंडीशन पाकिस्तान जैसी थी। मुझे बात करने दीजिए पूरी, हमारा भारत पहले से यही था, यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस ऐसी नहीं थी, यहाँ पे हमें कभी गवर्नमेंट के लिए सीट्स के लिए, आप देख लीजिए आपकी जो गवर्नमेंट है जब भी वो कहीं जाती है
चाहे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बाहर वो कभी जाती नहीं, अगर जाएगी भी कभी देन दे आर रिप्रेजेंट, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे, कंट्री को रिप्रेजेंट वो नहीं कर लेते। लेकिन हमारे भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जहां पे भी वो गए, फॉरेन कंट्रीज में आप देख लीजिए, जितने जो हमारा इस वक्त गवर्नमेंट हमारी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब, वो जहां पे भी गई, जहां जिस भी फॉरेन कंट्री में गए, उन्होंने वहां पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया। दैट इज द रीजन कि आज उसको पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो है नेता माना जाता है। आज लोग फॉरेन कंट्रीज में उसको उसके पैर छूते हैं। ये पावर होता है यूनाइट होने का। आप देख लीजिए कि इंडिया में जो भी काम हुए, जो पिछले 70 सालों से नहीं हुए, वो काम ठीक है, आई एग्री, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ पीस टॉक की बात आती है और कश्मीर का मुद्दा सामने आता है, वहां भारत कुर्बानी क्यों नहीं देता? हर जगह दे दी, तुर्की ने जो भी कराया, डिच कराया, मिस कराया, फिर भी तुर्की के साथ खड़ा है, चाइना के साथ ट्रेड फिर भी कर रहा है, सऊदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान का भाई बना हुआ है, हर जगह जो है ना हाथ मिलाए खड़े हैं, मगर व्हाई नॉट पाकिस्तान? देखिए मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान ने पहले दिया ही क्या है, पाकिस्तान ने अलगाववाद और आतंकवाद के सिवा किया ही क्या है, पाकिस्तान में अपने मुंह सेफ नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म कंट्री जो है उसको टैग लगा हुआ है और है भी, और मेरे ख्याल से वो रहेगी भी। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने किया क्या है। रियलिटी है ना, वो तो एक्सेप्ट कर लीजिए आप। रिसेंटली मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले वहां पे 12 जो टीचर्स है उनका बेरहमी से कत्ल हुआ कि नहीं? पता नहीं कौन सी न्यूज पढ़ते हैं आप लोग, मैं कौन सी न्यूज पढ़ लेता हूँ। चलिए जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये डिबेट खत्म होकर मैं आपको पूरी न्यूज और लिंक भी भेज देता हूँ कि 12 टीचर्स को बेरहमी से कत्ल किया, वो शिया कम्युनिटी से थे। इमाम बाड़ा में ब्लास्ट नहीं हुए, वहां पे नहीं हुए, एंड स्पेशली जब परसों प्रोटेस्ट वहां पे हुआ, तब आपने महिलाओं के मैं बताऊंगा ना, मैं इंडिया की भी बात कर लेता हूँ ना, इंडिया में जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो LOC पे है, वो महिलाओं पे अत्याचार नहीं करती है, वो महिलाओं को घसीट के नहीं लेती है। वो वीडियो शायद आप भूल गए हो, शायद आपने देखा नहीं होगा वो वीडियो, जब इमरान खान पे प्रोटेस्ट वहां पे निकला था, एक हैंडीकेप्ड महिला थी, उसको घसीट के जो है आपकी आर्मी ले रही थी, आपकी पुलिस नहीं, आपकी आर्मी, आपके लोगों ने आपकी आर्मी को कैप्चर किया और वीडियो जो है वो वायरल हुआ, तब आपकी लोगों ने कहा कि ये है वो आर्मी जो कश्मीर को आजाद कराने आए। क्या नाम है इसका? आपकी आर्मी जो है वो कैपेबल नहीं है वहां पे अपनी आवाम को सेफ्टी देने में। मुझे बताइए आपकी आवाम में, आपकी जन यार, कल भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना, आपके जर्नलिस्ट ने एक वहां पे कहा था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के पैसों पे पल रहा है। मुझे बताइए, उस जर्नलिस्ट साहब के लिए भी मैसेज पास करूंगा, उस जर्नलिस्ट साहब को कहिए कि आपके पाकिस्तान के पास है क्या जो हम कश्मीरियों को, स्पेशली हम कश्मीरी को वो पैसे देगी? उनके पास कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कश्मीर का नाम क्यों यूज होता है, कश्मीर के नाम पे एक तो वोट बटोरे जाते हैं और आपके मीडिया हाउसेस जो है उनका तो वो तो आपने खुद के इश्यूज ये नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, पब्लिक प्रॉब्लम जो है वो लोगों को दिखाई, वो गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं, वोट बटोरने के लिए और TRP बढ़ाने के लिए दे आर यूजिंग द नेम ऑफ कश्मीर, अदरवाइज दे आर नथिंग एंड दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। उनके पास वो पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के लोग जो इस टाइम बेचारे झुलस रहे हैं, जो वहां वहां पे परेशान हो चुकी है, उनके इश्यूज उठाइए ना। ऐसे जर्नलिस्ट को पहले ऐसे देखिए, मैंने भी जर्नलिज्म की डिग्री की है, उसके एथिक्स बोल रहे कि पहले मैं खुद का देखूं, पहले मैं सच्चाई सामने लो, पहले आप सच्चाई सामने लाइए, पाकिस्तान की सच्चाई आप सबके सामने लाइए। उन जर्नलिस्ट से ये कहना मैं चाहता हूँ, सच्चाई लाइए, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम बैठे हैं ना सच्चाई लाने के लिए। आप मेरे चैनल पर देखिए मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं जिसमें रियलिटी दिखाई है, जिसमें पाकिस्तानी लोग चीख चीख के बयान कर रहे हैं कि यार यहां ये मसला मैं एग्री करती हूं तमाम जी, मैं मानता हूं आप जो भी इश्यू चल रहा है टोटली एग्री विद यू। बताइए फिर मुझे बताइए फिर मुझे बताइए आपकी जर्नलिस्ट को क्या पड़ी है कश्मीर और इंडिया की, जो हर जगह जो है कश्मीर और इंडिया का नाम यूज होता है, उनको क्या पड़ी हुई है? पहले अभी तक वो इस चीज को ओन नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है। देखिए निमरा जी, आपके पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हमें कश्मीर को करना है, क्या है आपके पाकिस्तान के लोग ही है ना, मुझे खाली दो देखिए वहां पे दो जमाते, एक तो पाकिस्तान आर्मी ISI,
एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, यही तीन क्यों हाहाकार मचाते हैं कश्मीर के नाम पे? आप लोगों को तो जरूरत नहीं है, एज फार एज डिपेंडेंट हम पे है ना, हमें तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को करना क्या है, जो पाकिस्तान अपने लोगों को दो अपने खाना नहीं दे पाते हैं, जो दो दो, दो रोटी जो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, जो आटे के लिए वहां पे इतनी कतारों में लाइनें लगी होती है, वो तो अपने आवाम को बचा नहीं पा रहे, वो अपने आवाम को वहां पे सेफ्टी नहीं दे पा रहे। मुझे बताइए फिर कश्मीर को करना क्या? अरे भाई एक काम कर लो, अब कश्मीर को छोड़ो, पहले पाकिस्तान को सुधारो, पाकिस्तान के जो है कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन वो सुधारो, उसके बाद हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान को फिर क्या करना है क्या नहीं करना। सेकेंडरी क्वेश्चन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उन अवाम पे जो है रहम खाओ, उन अवाम वो जो अवाम वहां पे जुलस रही है, उन बिचारों के इशू जो है वो रेज कर लो, उन बिचारों को उन प्रॉब्लम से निकालो बाहर, ताकि वो भी राहत की सांस ले। देखिए दुनिया का कोई भी स्टेट देख लीजिए, कोई भी कंट्री देख लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, वो देख लीजिए आप, दिन ब दिन वो आगे जा रहा है, वो आसमान छू रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान है जो दिन ब दिन पीछे जा रहा है, जो वहां पे बेचारे गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हमने बात स्टार्ट की थी पीस टॉक से, अगर पीस टॉक इन फ्यूचर पाकिस्तान दोबारा इसके लिए हाथ बढ़ाता है तो मुझे बताएं हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन होगा? हमेशा कश्मीर के आगे बात अटक जाती है और ये दोनों कंट्रीज की पीस टॉक बनी रह जाती है। देखिए निमरा जी, सॉरी महवी जी, चीजें दो है, पीस टॉक खाली इंडिया और पाकिस्तान के हो सकते हैं, उसमें कश्मीर होगा नहीं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का है, इंडिया का रहेगा, कश्मीर का नाम पहले आप बंद कर लीजिए लेना, उसके बाद दूसरी चीज जो हमारा हिस्सा है वो भी हम वापस लाएंगे, दो चीजें। और तीसरी चीज, अगर अगर जम्मू कश्मीर आपका है तो आजाद कश्मीर आपका कैसे हुआ? आप अपने हिस्से पे खुश रहिए ना, इस पे बहस। आजाद कश्मीर, पहले महवी जी आप आजाद कश्मीर मत बोलिए ना, पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ना जो नाम है, जो ऑक्यूपाई आप लोगों ने उनको किया, आपकी गवर्नमेंट ने किया, आपकी आर्मी ने किया है। देखिए महवी जी, आपने भी खुद कहा कि मेरी चैनल पे रियलिटी है, मेरी चैनल पे सच्चाई है, मैं सच कहती हूँ। आप बताइए, ऑक्यूपाई नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे नहीं है, पाकिस्तान की असेंबली वहां पे नहीं है, पाकिस्तान के लॉज वहां पे इंप्लीमेंट नहीं है, हाँ या ना में आंसर दीजिए। मैं अभी मानूंगा कि वो आजाद कश्मीर है अगर ये चीजें वहां पे नहीं है, आजाद है बट ये बताइए पाकिस्तान की आर्मी है वहां पे, बताइए हाँ या ना बताइए, पाकिस्तान के लॉज वहां पे इंप्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान की असेंबली है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, एंड वहां पे 4G सिम लेने के लिए आपको आर्मी से लिख के लाना है, सिस्कॉम सिम लेनी है उसके लिए आर्मी से लिख के लाना है, आखिर क्यों क्यों? आपने तो उसको आजाद कश्मीर का नाम दिया ना, तो फ्रीडम दीजिए ना उनको, उनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं। हमेशा काम जब भी किसी कंट्री पे शुरू होता है ना, हम 75 साल के बाद अब शुरू करने जा रहे हैं काम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। आप लाहौर में आके देखें, जहाँ 4G तक नहीं चल रहा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कश्मीर में काम करेंगे? लाहौर के अंदर तो 4G आ जाए, पंजाब जो सबसे बड़ा हमारा मेजर सूबा है उसको तो डेवलप कर लें पूरी तरह से, फिर हम देखेंगे। महवी जी, मैं वही कहता, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पहले और कश्मीर की बाद में होना चाहिए, जब बाकी पाकिस्तान ही इतना नहीं है, या तो हो कि बाकी पाकिस्तान भाई बहुत वेल सेटल्ड है, सिर्फ कश्मीर को इग्नोर कर रखा है, पाकिस्तान को सर इग्नोर कर रखा है। कश्मीर का फिर आप क्यों उसको नाम दे रहे हो? अगर फिर का कहीं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये नाम बता दीजिए, मैं बताऊंगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। आप देखिए निमरा जी, पाकिस्तान नहीं करता, हिंदुस्तान भी करता है आज। अब मुझे बताएं, ठीक है, मुझे बताइए वहां डेवलपमेंट नहीं किया, उसको ऑक्यूपाइड कह दें तो डेवलपमेंट तो कहीं भी नहीं है। डेवलपमेंट सिंध में कहां है मुझे बताएं, फिर सिंध को भी ऑक्यूपाइड कह दें, गिलगित में कहां है, गिलगित को भी ऑक्यूपाइड कह दें। महवी जी, फिर उसको भी कहना था ना आजाद सिंध, आजाद गिलगित, आजाद बलूचिस्तान, उसका ये नाम रखना था ना। फिर जब आपने देखिए कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, वो हमारा हिस्सा, वहां कश्मीर नहीं, हम आजाद पाकिस्तान कहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान आजाद कहते हैं। अच्छा आप भी आजाद हुए हो, कब आप आजाद, कब हुआ है पाकिस्तान, गरीबी से कब आजाद हुआ है, टेररिज्म से आजाद हुआ है, आजाद हुए हो आप, आप गरीब आजाद है, हिंदुस्तान भी अब आके आजाद हुआ है, हिंदुस्तान भी अब आके ऐसी बहुत सी चीजों से आजाद हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, और आप यहां, मैं भी यहां, हम लोग, बताइए इंडिया किन चीजों से ऑक्यूपाई था, इंडिया किन चीजों से, मुझे खाली दो चीजें गिनवाई आप, किन चीजों से इंडिया ऑक्यूपाई था? पॉवर्टी नहीं थी क्या इंडिया में? पॉवर्टी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, कोई बताएं क्या नहीं था इंडिया में? रुकिए, पॉवर्टी हर जगह है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, लेकिन अब फर्क है ना, आप देख लीजिए, आप एक्सट्रीम नहीं थी, कहाँ पे थी, यहाँ पे आप देख लीजिए, एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है, आप देख लीजिए, मैं एक मिनट,
कुछ अब हुआ है। अगर आप बात करें अभी जी, अब नहीं हुआ है अभी जी, अभी जी, अभी जी, लेट मी आंसर, मैं अभी जी लेट मी आंसर, मैं अभी जी लेट मी आंसर। ये जट मंगनी पर शादी नहीं ना है, ये वो चीज नहीं है कि एक एक हाथ से उठाया दूसरे हाथ में डाल दे तो इतनी जल्दी हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा नहीं। आप लोगों ने क्यों नहीं किया 75 सालों से? 75 सालों से आपकी कंट्री जो है पीछे जा रही है। आपने किया क्या? आप लोगों ने अपनी कंट्री के लिए क्या? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम थी। आपको पता है आज पाकिस्तान के आम सड़कों पे क्यों है? इसी वजह से रो रही है, इसी वजह से कि 75 साल से कुछ नहीं किया। ये जंग ही क्यों लगी होती है? सिविल वार क्यों चल रही होती है? अगर हम खुश होते 75 साल में होने वाली प्रोग्रेस से, तो नहीं खुश इसी वजह से तो लड़ रहे हैं। सिविल वार, सिविल वार आप लोगों ने खुद शुरू किया। देखिए आप लोग जो है, आप लोगों ने सिविल वार खुद वहां पे शुरू किया है। आप लोग अगर इस वक्त किसी प्रॉब्लम का सामना करें, वो आप खुद उसका रीजन हो। देखिए आप लोगों ने क्या है, क्या वोट बटोरने के लिए आपने वोट दिए, उसके बाद अवाम जो है पीछे रही, अवाम ने आज तक मुंह नहीं खोला। अब अवाम मुंह खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे बताइए अवाम अवाम की क्या चल रही है वहां पे? वहां पे भी अभी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे ही जाए। मैंने आपको पहले ही कहा, पाकिस्तान में जो लोग बेचारे रहते हैं, या तो वो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली, जो हाई क्लास फैमिलीज वहां पे रहती है, मुझे आप उनका एक बच्चा दिखाइए जो जिसे पाकिस्तान में पढ़ा हो, जो पाकिस्तान में रहता हो और जो पाकिस्तान का खाता हो। वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो फॉरेन कंट्रीज में सेटल है। ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने गरीबों का खून, वो लोग पाकिस्तान में रहेंगे भी क्यों? मुझे बताएं, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है? उसके बाद वो लोग कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को? कोई निम्रा जी, मैं वही बात आपको क्लियर करना, जो दैट मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी पाकिस्तान आर्मी ने गरीब